ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहां आज पूरे देश में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं सोलन के सेंट एम्ब्रोस पब्लिक हाई स्कूल नौणी में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे जहां राधा कृष्ण के पहनावे में पूरी तरह नजर आए, वहीं इन बच्चों ने राधा कृष्ण की तरह झूले का आनंद भी उठाया। साथ ही राधा व कृष्ण के गानों पर बच्चों ने एक से एक बढ़कर नृत्य प्रस्तुत किए। जहां पूरे देश में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं सोलन के सेंट एम्ब्रोस पब्लिक हाई स्कूल नौणी में भी कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे जहां राधा कृष्ण के पहनावे में पूरी तरह नजर आए, वहीं इन बच्चों ने राधा कृष्ण की तरह झूले का आनंद भी उठाया। साथ ही राधा व कृष्ण के गानों पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं स्कूल प्रांगण में भी नन्हे कृष्ण द्वारा मटकी भी फोड़ी गई। इस अवसर पर सभी स्कूली बच्चों सहित स्कूल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। वहीं स्कूली बच्चों को अध्यापकों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। इस अवसर पर सबसे खास बात ये रही कि स्कूली बच्चों को मक्खन का प्रसाद भी बांटा गया। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि सेंट एम्ब्रोस पब्लिक स्कूल नौणी में कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे जहां राधा कृष्ण के पहनावे में पूरी तरह नजर आए, वहीं इन बच्चों ने राधा कृष्ण की तरह झूले का आनंद उठाया और वहीं स्कूल प्रांगण में ही नन्हे कृष्ण द्वारा मटकी भी फोड़ी गई। आज सेंट एम्ब्रोस स्कूल नौणी में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। बच्चों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। छोटे छोटे बच्चे, कोई कृष्ण बन के आए थे, कोई राधा बन के आए थे। बच्चों ने झूला झूला और मटकी फोड़ी और राधा कृष्ण के सॉन्ग पे झूम झूम के बच्चे नाचे और सभी टीचरों ने भी बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लास्ट में सभी बच्चों को मक्खन और मिश्री का प्रसाद बांटा गया। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एसटी के साथ। नमस्कार।